कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल इश्क में मरजावा के हाल फिलहाल के एपिसोड में ये आपने देखा ही होगा कि दीप की माँ का किडनैप हो गया है और दीप को शक है कि डॉक्टर बनी आरोही ने ही ऐसा किया है और वो आरोही से सच उगलवाने के लिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता हुआ नजर आता है। इसी बीच अभिमन्यु आ जाता है जो ये बात कहता है कि क्या पता किसी घरवाले ने ही उसकी माँ को किडनैप किया हो, लेकिन दीप कहता है कि उसे आरोही पर शक है। इसी बीच दीप को एक कॉल आता है। दीप की मौसी उसे सच्चाई बताने ही वाली होती है, लेकिन दीप से पहले अभिमन्यु और आरोही वहां पहुंच जाते हैं जो मौसी को डराकर चुप करा देते हैं। नर्स का भेष लेकर आरोही दीप को कहती है कि उसे बाहर इंतजार करना होगा, अभी वो बेहोश हो गई है। बाद में मौसी आरोही को ये बताती है कि घर का मास्टर माइंड कोई और ही है। मौसी आरोही को दीप की माँ के कमरे में रखी पेटी से एक पैकेट मंगवाती है और कहती है कि पैकेट के मिल जाने के बाद ही वो उसे सच्चाई बताएगी कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो घर में अब भी मौजूद है। इस दौरान दीप को एक बार फिर से आरोही पर शक भी होता है, लेकिन वो जैसे ही घर पहुंचता है तो मनप्रीत और अभिमन्यु को अपनी जगह पर बंधे हुए पाता है, जिसके बाद दीप ये जानने के लिए कि आरोही और अभिमन्यु वहां से गए थे या फिर नहीं सीसीटीवी फुटेज खंगालता है, लेकिन उसे सीसीटीवी फुटेज में भी उनके खिलाफ कुछ नहीं मिलता। अभिमन्यु को दीप पर काफी गुस्सा भी आता है, लेकिन अब क्या आरोही दीप की नजरों से बचकर पैकेट में छुपी वो चीज देख पाएगी और क्या दीप आरोही की असलियत जान पाएगा? इन सब का पता सीरियल के आने वाले एपिसोड से ही चल पाएगा। टेलीविजन जगत से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।